गोपीगंज का ऐतिहासिक भरत मेला जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ पर लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। यह भरत मेला लगभग रात के 12 बजे से शुरू होता है और लगभग 6 बजे भोर तक चलता रहता है, जिसमें सुंदर सुंदर लाग दीवान प्रदर्शनी किए जाते हैं। लोग इस दिवस को रात को 12 बजे तक इंतज़ार करते हैं और जागते हैं, तब जाकर गोपीगंज में देखने के लिए आते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग देखने के लिए भी आते हैं। वीडियो में अद्भुत तरीके की झांकियां देखने को मिलेंगी, जिसको कि लाग कहा जाता है। पूरे गली को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। काफी सुंदर लाग देखने में लग रहा है, इसमें छोटे छोटे बच्चे के द्वारा एक अलग प्रतिभा का निखार किया गया है, एक अलग प्रतिभा दिखा रहे हैं और जिनमें कि वे इस समय सो भी रहे हैं, कुछ तो जाग भी रहे हैं और अपने आप को बनाए हुए हैं और उनके साथ में जो लगे हुए लोग भी हैं वो भी जगा रहे हैं उनको। यहाँ पे देखेंगे तो श्रद्धालु काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और यह लगभग 3 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा करता है, मतलब पूरा लाग जो होता है 3 किलोमीटर लगभग पूरा घूमता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री हरि विष्णु जी हैं और बगल में ब्रह्मा जी शिव जी भी थे। यहाँ देख सकते हैं माँ दुर्गा जो कि अपनी 3 शेरों को लेकर के चली है। सिंह पे सवार हुए यहाँ पे, तो वाह कितना अच्छा लग रहा है। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा जो कि कृष्ण भगवान बना हुआ है। मेले में काफी भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालु कितने खुश दिख रहे हैं और यहाँ भगवान श्री राम और उनके साथ में लक्ष्मण जी सीता जी उनकी पालकी को आगे लेके जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राम लक्ष्मण और सीता जी हैं और इनके रथों को सभी श्रद्धालुओं के द्वारा आगे ले जाया जा रहा है और इसी भांति हर वर्ष ले जाया जाता है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। यहाँ पर अब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक दूसरे से मिल रहे हैं और मिलने के बाद यह चारों दिशाओं में घूमेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों गोपीगंज का ऐतिहासिक भरत मेला आपको पसंद आया होगा और आगे से आप भी आने का प्रयास करेंगे यदि आप नहीं आए होंगे तो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय
श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।